ज्योतिष केंद्र। सिंह राशि, सिंह राशि का वर्षफल 2019 कैसे रहने वाला है सिंह राशि वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ग्रहों के गोचर हमेशा चंद्र राशि के अनुसार ही देखना चाहिए, ये शास्त्रों में वर्णित है। ये एक जनरल प्रडिक्शन है। आप ये सोचेंगे यही आपकी कुंडली में पूरा इम्प्लीमेंट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये सिर्फ ग्रहों के गोचर के अनुसार, ये सिर्फ एक सिंह राशि वाले से संबंधित कुछ मोटे तौर पर जानकारी होती है। कुंडली का उचित विश्लेषण कराकर ही आप ये मान के चलें कि आपका एक्चुअल क्या घटेगा, वो चीज़ आप क्लियर आपकी कुंडली से होगी। यहाँ पर जो बताना चाह रहा हूँ मैं, वो सिर्फ एक जनरल प्रडिक्शन होता है। मुख्यतः चार ग्रहों को गोचर में देखा जाता है, शनि, गुरु, राहु और केतु। शनि 7.5 वर्ष एक राशि को प्रभावित करता है, क्योंकि वो जिस पर बैठा होता है उसको और उसके आगे पीछे, तो ओवरऑल 2.5 साल एक राशि पे और 2.5 साल आगे और 2.5 साल पीछे उस पर, क्या इस तरह से वो 7.5 साल तक एक राशि को परेशान कर सकता है, इसलिए उसको देखना ज़रूरी होता है। गुरु, राहु, केतु 13 और 18 18 महीने ये क्या होते हैं, एक राशि में रहते हैं, इसलिए इन दो को भी, तीन को भी देखना ज़रूरी है। शनि पूरे वर्ष धनु राशि में रहेंगे, गुरु वृश्चिक राशि में रहेंगे, राहु केतु मार्च से मिथुन राशि और धनु राशि में आ जाएंगे। गुरु राशि परिवर्तन करके 30 मार्च को धनु राशि में और फिर 25 अप्रैल को वृश्चिक में गोचर करके 5 नवंबर को वापस धनु राशि में गोचर करेंगे। 10 अप्रैल में बकरी होकर 11 अगस्त को वो मार्गी हो जाएंगी। शनि 30 अप्रैल को बकरी होकर 28 सितंबर को वो बकरी होकर 28 सितंबर को वापस मार्गी रहेंगे। तो ये मुख्यतः जो चार ग्रह, उनकी स्थिति ऐसी रहने वाली है। अब अगर हम बात करें कि ये जो चंद्र राशि के अनुसार जो होता है ये क्या प्रडिक्शन होता है, इसमें क्या होता है, जनरल ओवरऑल सिंह राशि वालों के लिए क्या हो सकती है संभावनाएं, वो चीज़ बताई जाती है। कोई भी रत्न, कोई भी इस तरह की चीज़ आपको खुद नहीं पहनना है यह राशि के अनुसार। यहाँ से समझ लें कि सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, तो आपने सूर्य का रत्न उठा के क्या कर लिया, मणिक पहन लिया, वो ऐसा कुछ नहीं करना है। वो आपको अपनी कुंडली के उचित विश्लेषण के बाद ही वो रत्न धारण करना चाहिए, अदरवाइज उसकी संभावना है कि वो आपको नुकसान करेगा। तो वो लग्न के अनुसार आप देखें, पांचवें घर में, पहले घर में, नवे घर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, कौन सी राशि है, उस राशि पर कितना वो जो ग्रह है उसकी पोजीशन क्या, वो 6 8 12 में तो नहीं चला गया है, वो बढ़िया 15 डिग्री का कारक है तो उसका रत्न आप बिल्कुल नहीं पहने, लेकिन अगर वो 5 डिग्री 6 डिग्री का है तो उसका रत्न आपको पहनना है। अगर वो मारक है और कम डिग्री का है तो नहीं पहनना है। जाप आप किसी भी चीज़ के जप कर सकते हैं। आप दान और जो रत्न है वो सिर्फ कुंडली का उचित विश्लेषण कराकर ही हमेशा करें। सिंह राशि की बात करूं तो इस वर्ष 2019 बहुत अच्छा रहेगा, भाग्यशाली रहेगा, ये थोड़ा सा अच्छा जाने वाला वर्ष माना जाएगा। कार्य में कार्यों के पूरे होने की संभावना रहेगी, भाग्य साथ देगा। जो अगर शिक्षा, अगर विद्यार्थियों की बात करें तो वो भी ठीक रहेंगे, भौतिक जीवन, परिवार, ये सारी चीज़ें इस वर्ष जो सिंह राशि वाले हैं उनको ठीक ठाक जाने की उम्मीद है। ये एक जनरल प्रिडिक्शन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको सीधा अपने ऊपर इम्प्लीमेंट मत कर लीजिएगा। व्यवहारिक जीवन में थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पैसों से रिलेटेड इस वर्ष दिक्कत नहीं दिख रही है। लव अफेयर्स में भी थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो स्थिति अच्छी हो जाएगी। अंत में ज़रूर चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन लव अफेयर्स में आपको ज़रूर सावधान रहना है, व्यवहारिक जीवन में आपको सावधान रहना है, स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान रहना है। इसके अलावा पूरे साल स्वास्थ्य ठीक रहेगा, स्टार्ट और मध्य में थोड़ा सावधान रहें, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पूरे वर्ष सावधान रहें, व्यायाम करें, उचित विश्लेषण करके ही आप किसी भी रत्न को पहने। ये मैं बार बार इसलिए बीच में रिमाइंड कर देता हूँ कि कहीं किसी वीडियो में आपको ही ना मिल जाए कि पर्टिकुलर सिंह राशि वाले ओवरऑल ये रत्न पहन लें। स्वास्थ्य तो ओवरऑल ठीक रहेगा, लेकिन मध्य में थोड़ा सा स्थिति गड़बड़ हो सकती है, तो ऐसी कोई विशेष दिक्कत नहीं है। सिंह राशि के स्वामी हैं वो हैं सूर्य, और सूर्य के अधिष्ठित देव शिव को माना जाता है कई शास्त्रों के अनुसार। तो शिव जी की पूजा इसमें साल भर उनका जाप कर सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए और आगे बता दूं तो अगर कोई खराबी है तो उसको आप इस तरह से कर सकते हैं। जीवन साथी से अच्छा लाभ होगा, पैतृक संपत्ति भी मिलने की संभावना है, लेकिन थोड़ा सावधानी ज़रूर बरतें। कैरियर में थोड़ा सा सावधान रहे, उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, अंत में वो भी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा व्यापार और नौकरी थोड़ा दोनों क्या होंगे, ठीक ठाक ही चलेंगे,
बहुत खराब या बहुत अच्छी स्थिति गोचर के अनुसार नहीं दिख रही है। लोहा, कच्चा तेल आदि में भी अच्छा जो इस क्षेत्र में जो उनके लिए ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा जो अगर विद्यार्थी वर्ग हैं अगर वो मेहनत कर लेंगे तो सारी प्रॉब्लम्स ठीक ठाक हो जाएंगी। थोड़ा सा जो साल का जो दूसरा चरण है वो ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। स्टार्टिंग थोड़ी सी इनके लिए कुछ समस्या, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ समस्या रह सकती है। पारिवारिक जो सुख है बहुत अच्छा रहेगा, बच्चों से भी ठीक रहना है। इसके अलावा आप जीवन साथी से भी ठीक रहेगा। लव अफेयर्स में सावधान रहना है। व्यवहार, इसके अलावा जो व्यवहार है वो आपको सावधानी से बरतना है। इसके अलावा जो शादीशुदा लोग हैं उनको जीवन साथी के साथ थोड़ा सा ठीक रखना है, रहना है। और स्वास्थ्य की अगर बात करूँ तो व्यायाम आप ज़रूर करें, हो सके तो कहीं ऐसी जगह में जाएं, धार्मिक यात्रा करें जहाँ पर आपको चलना पड़े। हर राशि वालों के लिए बोलता हूँ कि चलना बहुत ज़रूरी, चलें ज़रूर। अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो और अच्छा हो जाएगा, ख़राब है तो अच्छाई की ओर वो चल पड़ेगा। बच्चे की बात करें तो वो भी बहुत अच्छे रहेंगे। थोड़ा सा स्वास्थ्य पे ध्यान दें स्टार्टिंग में, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अधिष्ठित देव, कुछ शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को कहा गया है, तो शिव की आराधना ज़रूर करते रहना चाहिए इस सिंह राशि के लिए। और ओवरऑल देखा जाए तो समय बहुत बढ़िया रहेगा। धन से रिलेटेड सिंह राशि वालों को इस वर्ष ऐसी कोई समस्या नहीं दिख रही। मैं फिर कह रहा हूँ कि अपनी कुंडली पर आप डायरेक्ट इसको मत लीजिएगा, ये सिर्फ एक जनरल प्रडिक्शन होता है। गोचर वाइज ये संभावना हो सकती है, उचित कुंडली के द्वारा ही होता है। इसके अलावा स्वास्थ्य पूरे साल ठीक रहेगा। स्टार्ट और मध्य में अगर बात करूँ तो थोड़ा सा आप ज़रूर इसमें ध्यान दे लीजिएगा। इसको मैंने दूसरी बार इसलिए रिपीट किया कि वहाँ ध्यान देने की बिल्कुल आवश्यकता है। तो स्टार्टिंग और एंड में आपको बाहर का बिल्कुल ना खाएं, उसको अवॉइड करें, तेल बाहर का बचाएं तो वो बढ़िया है। घर में आप अगर तेल का खाना भी है तो घर में बनाएं, उसको खाएं, उससे कोई समस्या इतनी बड़ी नहीं। लेकिन बाहर में आपका थोड़ा सा स्वास्थ्य की दिक्कत ज़रूर दिख रही है। हाँ, जीवन साथी से ज़रूर इस वर्ष थोड़ा सा आप जो संबंध है उसको मधुर लेके चलिएगा, क्योंकि थोड़ी सी ग्रहों की गोचर ऐसा हो रहा है कि थोड़ा भी आप कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे तो चीज़ें सर पर चढ़ जाएंगी, मतलब वो चीज़ हावी होने लगेंगी। जो आप बोलेंगे वो आपको परेशानी, आप ही के अंदर को परेशान कर बैठेंगी, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा स्वास्थ्य पे मैं बोल चुका हूँ, उस पर ध्यान देना है आपको। बाकी पैसों से ओवरऑल इस वर्ष ऐसी कोई दिक्कत नहीं रह रही है। और अगर मैं बात करूँ लव अफेयर्स, तो वो भी वहाँ भी आपको थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता, फिर बार बार इसको भी रिपीट किया मैंने कि यहाँ भी आपको आवश्यकता है कि उसको भी आप ध्यान दें, उसको भी लापरवाही से नहीं लें, नहीं तो ज़रूर कुछ कुछ प्रबल संभावनाएं, उठ खड़े होने की संभावनाएं लव अफेयर्स के मैटर में। बाकी ओवरऑल ऐसा कुछ खराब दिख नहीं रहा है। शिव आराधना करें, या आपके जो कुंडली में ईष्ट आते हैं लग्न के हिसाब से उनकी आराधना करें। सूर्य का रत्न बिल्कुल धारण नहीं करना है बिना कुंडली के विश्लेषण के कि आपने उठाया और रत्न पहन लिया। जप आप कर सकते हैं, हाँ सूर्य देवता का भी जप कर सकते हैं, इसके अलावा शिव भगवान का भी जप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये और ज़्यादा असर जो अधिष्ठित देव होते हैं उनके द्वारा ज़्यादा असर मिलता है। बाकी ग्रहों का जब भी आप कोई पूजा करें उसके 9 ग्रहों की पूजा आप एक बार स्टार्ट में करें। उससे पहले भगवान गणेश की पूजा कर लें, गणेश जी की पूजा के अलावा बाद ही सारी पूजाओं को करना चाहिए। इसके बाद जब भी आप पूजाओं को अंत करते हैं तो जितने भी जिन जिन भी देवों को आपने बुलाया है उनको सम्मान के साथ उनकी विदाई ज़रूर कर देनी चाहिए। कुल देवताओं की भी पूजा ज़रूर करें, कोई भी जप मंत्र युद्ध कुछ चीज़ों को आप रूटीन बना लें कि एक तो कुलदेव हो गए, भगवान गणेश हो गए, इनको जब हम चालू करें कोई पूजा तो कुलदेव भगवान, इसके अलावा हमारे जो पितृ हैं उनको भी एक बार, हमारे जो पीछे जो चले गए हैं लोग माता पिता हैं उनको भी एक बार रोज ध्यान ज़रूर करना चाहिए। तो ये आप अपने रूटीन में ले आएँ, सारी परेशानियाँ धीरे धीरे करके क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। वीडियो लंबा हो रहा है, मैं वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ। धन्यवाद, अगले वीडियो तक नमस्कार।